मतदान में इस्तेमाल ईवीएम के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन, कला संकाय और बैडमिंटन हॉल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। मतगणना होने तक स्ट्रांग रूम के चारों तरफ 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा रखा गया है। इसके लिए CISF जवानों के साथ ही बड़ी संख्या में SSB के जवान और पुलिसकर्मी तैनात हैं। इतना ही नहीं, पूरे दीक्षा भवन, कला संकाय और बैडमिंटन हॉल परिसर में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए 8-8 घंटे की शिफ्ट में CEO की ड्यूटी लगाई गई है। किसी को भी अनाधिकृत रूप से परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। SSP सुनील कुमार गुप्ता ने लगातार निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP सुनील कुमार गुप्ता ने कहा, क्या स्थिति है? ठीक है, ठीक है, खुल गया। क्या डिजाइन क्या नहीं खोलो, डिजाइन क्या रखी है पता है? डिजाइन क्या कि परसों यहाँ पर स्ट्रांग रूम है और यहाँ पर मतगणना होनी है, उसके लिए पूरी तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं। आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग वगैरह की जा रही है और उसी बैरिकेडिंग के हिसाब से पुलिस की व्यवस्था की जाती है। कहाँ गेट कितने बनेंगे, किधर से रास्ता होगा, उसी का निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जिससे कि एक माइन्यूट डिप्लॉयमेंट लगाया जा सके और किसी किस्म की कोई समस्या ना आए। जी, बाहर से फोर्स आई हुई, आपने देखा CISF और SSB भी लगी है, साथ में लोकल पुलिस है, तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था चलती है जैसा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है। और जिस दिन मतगणना होगी उस दिन इस सुरक्षा चक्र को बढ़ा करके 5 स्तर कर देंगे हम लोग। 5 टायर की सिक्योरिटी रहेगी, जो पेरिफेरल सिक्योरिटी से लेकर के कैंपस की सिक्योरिटी, फिर बिल्डिंग की सिक्योरिटी, फिर मतगणना केंद्र और मतदान आपके स्ट्रांग रूम की 5 टायर सिक्योरिटी रहेगी। और जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसी के तहत मतगणना कार्य पूरा कराया जाएगा।